अरे मेरे ऑलरेडी प्लान्स हैं। What the? सुन मैं तुझे कॉल करती हूँ। मैडम ये क्या किया आपने? मैंने एक तो अपनी स्कूटी उल्टी सीधी जगह खड़ी करता है, फिर कहता है मैंने किया। मैम गाड़ी बैक करते टाइम आपने मेरी स्कूटी नहीं देखी तो इसमें मेरी क्या गलती मैम? तू मुझसे बहस करेगा? हाँ तेरी इस खटारा सी स्कूटी ने मेरी गाड़ी पे इतना बड़ा डेंट मार दिया है, अभी से तू ठीक करवाएगा, चल। मैडम मुझे दवाई की डिलीवरी करने जाना है और मेरी स्कूटी की हालत भी तो देखो आप। ज्यादा ना स्मार्ट मत बन, ठीक है, चुपचाप गाड़ी में बैठ और चल मैकेनिक के पास। मैडम मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दीजिए मैम। मुझसे बहस मत कर, समझा? तेरी इस खटारा का नंबर नोट कर लिया है मैंने, ज्यादा चालाकी की ना तो पुलिस को बुलवा दूंगी, समझा? चल बैठ गाड़ी में। क्या कर रहा है? चल। ये फोन भी अभी बंद होना था। अरे कोई है? क्या हो गया मैडम? कब से हॉर्न बजा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? गाड़ी में डेंट लगा हुआ है, जाके देखो और बताओ कितना पैसा लगेगा। छोटा सा डेंट है मैम, ये तो 2 घंटे में ठीक कर दूंगा, और इसके 2000 रुपए लगेंगे। 2000 रुपए लगेंगे? चलो पैसे निकालो। मैम 2000? मैम 500-600 की बात होती तो मैं दे भी देता, मैम 2000 तो बहुत ज्यादा है। मैम देख तू ना नाटक मत कर, ठीक है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तू पैसे कहाँ से लाएगा, बैंक अकाउंट खाली कर या किसी से उधार मांग, पर मुझे पैसे चाहिए अभी। मैम मुझे डिलीवरी के लिए जाना है, प्लीज आप मेरी मजबूरी समझिए। सुन मेरा टाइम मत वेस्ट कर, ठीक है? 2000 रुपए लेकर आ, नहीं तो मैं अभी बुलाती पुलिस को। चल ठीक है मैम, लाता हूँ। मैडम आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है क्या? हाँ है, क्यों? तो उस बेचारे से क्यों पैसे मांग रहे हो आप? तू अपने काम से मतलब रख, चल। ठीक है मैडम। हेलो यार, वो पैसों की जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी यार। इतनी देर लगा दी? सॉरी मैम, वो पैसा इकट्ठा करने में टाइम लग गया। ये लीजिए पैसे। व्हाटएवर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम मैं वो दवाइयों की डिलीवरी देने आया था, कल जो ऑर्डर पेंडिंग रह गया था। ये कविता शर्मा यहीं रहती हैं?
हाँ यहीं रहती हैं। ये लीजिए उनका अस्थमा पंप। क्या हुआ मैम, सब ठीक तो है ना? मेरी माँ को अस्थमा है, कल जब मैं ऑफिस में थी तब शायद उन्होंने ये अस्थमा पंप ऑर्डर किया होगा। कल मेरी वजह से उनके पास ये टाइम पर नहीं पहुंच पाया। क्या, अब वो कहाँ पे है? हॉस्पिटल में, मेरा भाई है उनके साथ। अब वो ठीक तो है ना? हाँ अभी वो बेहतर है। मैम मुझे माफ कर दीजिए, कल आपके जाने के बाद वो स्कूटी खराब हो गई और मैं उसे टाइम से बनवा नहीं पाया, इस वजह से मैं टाइम से डिलीवरी नहीं कर पाया। तुम क्यों माफी मांग रहे हो, गलती तो मेरी है। अगर कल मैं तुम्हें जाने देती तो तुम टाइम से यहाँ दवाई डिलीवर कर पाते, मेरी माँ की तबीयत खराब नहीं होती और आज वो हॉस्पिटल में नहीं होती। मेरे कर्मों की सजा ही मेरी माँ भुगत रही है। मैम अब जो हुआ उसे हम ठीक तो नहीं कर सकते, पर हाँ मुझे इस बात की खुशी है कि अब आपकी माँ जी ठीक है। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और आज मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। एक और बात, ये लो तुम्हारे पैसे जो मैंने कल तुमसे लिए थे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उस डब्बे में मेरा नंबर है, आपको जब भी दवाई की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं एक घंटे में दवाइयाँ देने आ जाऊँगा। और मैम अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। ठीक है मैं अब चलता हूँ। थैंक यू। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी न्यू ईयर।